थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जनाब। इट्स माई ऑनर, इट्स माई प्रिविलेज जी, ऑनर से चेयरमैन एंड डॉक्टर बशीर साहब, सलीमुल्ला सईद मलिक साहब, खालिद साहब, शेख साहब, ऑल माई कोलीग्स, एसोसिएट, माई फेलोज। 25-30 साल पहले मैं भी आपकी तरह यूनिवर्सिटी के UET के हॉल में ऐसे ही बैठा होता था। टकरे मारता मारता अल्लाह ने मौका दिया कि मैं खिदमत कर सकूं। और हमारी गुजारे, हमारी जस्तजू क्या है कि बिफोर वी डाई वी शुड पे बैक टू द नेशन थ्रू दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स। और खुश आइंद पहलू ये है कि खालिद साहब ने ये मुश्किल बेड़ा उठाया और पूरे साल के लिए एक कम्युनिटी सर्विस के तौर पर, कम्युनिटी डेवलपमेंट के इस इनिशिएटिव में आप लोगों के लिए ये सिलसिला कलाम शुरू किया। हो सकता है ये गुफ्तगू अभी आपको 2 घंटे का, एक खाम खा का 1.5 घंटे का वो ग्रां गुजरे, लेकिन इसमें मैं आज कुछ लाइफ के स्किल दूंगा आपको जो मुझे अमेरिका, टोक्यो, जापान, कहाँ कहाँ मैं फिरता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, वो मुझे जो मिले। तो 28-30 साल का तजर्बा मैं 1.5 घंटे में आपको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा इंटरपर्सनल स्किल के तनाजुर। परसों मैं कोई ऐवान इकबाल में इससे मिलता जुलता फंक्शन हो रहा था, वहाँ भी मैंने यही बात की कि जब आप डिग्री लेके बाहर निकलेंगे तो आपका GPA कोई नहीं देखेगा, आपका एटीट्यूड, आपकी सोच, आपका रवैया, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी, मैनर्स, एटिकेट, फेयरनेस एंड अबव ऑल योर एथिक्स को देखेंगे। एथिक्स और एटीट्यूड पर लोग फायर होते हैं और डिग्री और GPA पे आप एंटर होते हैं। अमेरिका, कनाडा, जापान में बच्चों पे स्कूल और यूनिवर्सिटी में बेपना इन्वेस्टमेंट करते हैं लाइफ स्किल्स पे, जिसका दूसरा नाम है सॉफ्ट स्किल्स या इंटरपर्सनल स्किल्स। मैं जब UET से निकला तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, आप यकीन करें, और 1.5-2 साल में मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के ज़रिए मैं पॉलिश हुआ थोड़ा बहुत, और मैंने अपने आप को सदर पाकिस्तान के साथ पाया 26 साल की उम्र में, ज़िया उल हक़ साहब। तो मुझे वो पॉलिश होने का मौका कहाँ से मिला, मुख्तलिफ ट्रेनिंग के ज़रिए। और थोड़ा बहुत जब मेरी ग्राइंडिंग हुई, जंग उतरा, तो मैंने आपको 4 साल बाद Washington DC में पाया, और 6ठे साल में वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा था, 7वें साल में एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था मैं, और मैं लाहौर के एक उर्दू मीडियम स्कूल, सेंट्रल मॉडल स्कूल से पढ़ा हूँ, जिसने मेरी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट मेरे पे की, कम्युनिकेशन पे ज़्यादा नहीं की। तो मैं आपको आज पहला मशवरा ये दूंगा कि कम्युनिकेशन पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें, ताकि आप इंटरव्यूज़ में लोगों को इम्प्रेस करना या दूसरे लफ्ज में बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाए। ये मेरा मशवरा। आप जब जॉब ढूंढने निकलेंगे तो आप चिट्ठे मांग रहे होंगे, मेरे पास चिट नहीं थी, और हर एक को कहेंगे जी उसके पास सिफारिश थी, मेरे पास सिफारिश नहीं थी। ये क्या क्या आप अपने आप को तसल्ली दे देंगे, नौकरी मुझे इसलिए नहीं मिली, जबकि आपकी सिफारिश आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपके नशस्त बर्खास्त का तरीका वारदात है। आप उठें और मुराद पा जाएं, छा जाएं, जिस तरह TV में इश्तिहार ने ता गया छा गया ठा करके, उस स्टाइल में आप उठें और छा जाएं। तो पहला मशवरा ये है कि आज के बाद कम्युनिकेशन पे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। इंटरपर्सनल स्किल में सबसे अहम स्किल कम्युनिकेशन है। कुरान पाक में हज़रत मूसा दुआ करते पाए गए हैं कि अल्लाह मेरे कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा, और अल्लाह ताला कम्युनिकेशन पे इतना फोकस कर रहा है खुदा की ज़ात अक़दस के इरशाद ग्रामी है कि या अय्युल मुद्दसिर कुम फ़ांज़र, ऐ चादर में लिपटे हुए खड़े हो जा, कहते हैं जिसका हुक्म दिया गया। तो कम्युनिकेशन अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया के तवस्त से अपनी मैसेज की हकानियत को, अफातियत को, सदाकत को मसलम और मसलत करने के लिए एक मोड के तौर पर चुना है खुदा की ज़ात ने। अगर खुदा की ज़ात ने चुना है तो हमें तो उसको फॉलो करना चाहिए। इंजीनियर्स पर बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम है कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक है। जब मैं UET में प्रोफेसर था 5 साल पहले, मुझे याद है जनरल अकरम ने बाकायदा समर में कम्युनिकेशन के लिए 2 महीने का कैंप लगाया, और अंग्रेज़ी के टीचर बुलाए और उनको उनसे पढ़वाया, ताकि इंडस्ट्री से शिकायत आ रही थी कि इनको तो बेसिक एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती। तो ये तो है रिटर्न एप्लीकेशन। आज जो मैं आपसे 1.5 घंटा 1.25 घंटा बात करूंगा, मैं आपकी वर्बल कम्युनिकेशन पर बात करूंगा कि आपने कैसे तरीका वारदात से इम्प्रेस कर देना है इंटरव्यू में, ना सिर्फ इंटरव्यू में, सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, टेक्निकल लाइफ में आप कैसे छा सकते हैं। और मैंने गोरों को कैसे बेवकूफ़ बनाया था थोड़ा बहुत बोल के, अगर मैं बना सकता हूँ आप भी बना सकते। मैं लाहौर के कोई हाईटेक सोसाइटी में पैदा नहीं हुआ था, मैं कोई SN कॉलेज में नहीं पढ़ा था, लेकिन मुझे मौका मिला कम्युनिकेशन के ज़रिए पर्सनैलिटी को पॉलिश करके गोरों के सामने पेश करने में। और मैंने 5 अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। अभी मैं UET से फारिग हुआ था तो मुझे LinkedIn से किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने अप्रोच किया, इंटरव्यू टेलीफोन पे किया और वीज़ा भेज दिया,
और मैं पढ़ाने चला गया। तो अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं, और मैं कोई अमीर खानदान का नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह इसी तरह मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बल्कि टेल एंडर था। यूडी में मैं बस मोड़ कार गया, मोटरसाइकिल भी नहीं थी, और जब यूडी बस मिस होती थी तो मैं 3 बसें बदल के कृष्णनगर से जाता था। मुझे फ़ख्र है मैं द सन ऑफ द सॉइल, मेरा अजमीर अगर खमीर इसी मिट्टी से उठा है तो आपका भी से उठा है। अगर मैं आगे जा सकता हूँ आप भी जा सकते हैं। तो मुझे आगे जाने में किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे कम्युनिकेशन स्किल ने हेल्प किया। अगर मुझे कर सकता है तो आपको भी कर सकता है। तो आज पहला था यही कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल पे इन्वेस्ट करें। यूट्यूब से आप 1 से 2 वीडियोस देखें हफ्ते में, संडे को यूट्यूब पे 3-3, 5-5 मिनट की वीडियो लोड करें और आपस में ग्रुप बनाएं और कम्युनिकेशन स्किल पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। आपकी तरक्की आपके 15% आपकी क्रेडेंशियल की वजह से होती है और 85% आपकी तरक्की होती है कम्युनिकेशन स्किल से। बकायदा इसमें साबित हुआ है, या हज़रत मूसा जैसे बरगजीदा नबी अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए कुरान पाक में दुआ करते पाए गए हैं, जैसे मैंने भी जिक्र किया। और कुरान पाक में अल्लाह ताला बार बार कह रहा है कि कह दो, कुल कह दो, यानी इंसिस्टेंस नेचर की किस बात पे है, बोलने पे, बात करने पे। हज़रत अली कौल है कलाम करो ताकि पहचाने जाओ, और सुकरात कहता है कि अगर आपका आप कुछ बोलिए ताकि आपकी शख्सियत का अंदाज़ा कर पाऊँ, कहता है आपकी ड्रेस बड़ा अच्छा है लेकिन आप कुछ बोल लेंगे तो आपकी शख्सियत का अंदाज़ा होगा। तो इंग्लिश में एक स्टेटमेंट आप सब ने सुनी होगी कि द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एंड यू नेवर गेट द सेकंड चांस टू गिव द फर्स्ट इंप्रेशन, यू नेवर गेट द सेकंड चांस टू गिव द फर्स्ट इंप्रेशन। मेरे दफ्तर में कोई लड़का या लड़की इंटरव्यू देने आता है कि हमें जॉब चाहिए, हाथ में कागज़ पकड़ के, तो उसके बोलने के अंदाज से मैं समझ जाता हूँ किस यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है। 30 साल में मुझे इतना तजुर्बा हो गया, उसके बैठने के अंदाज से और अंदाज़ गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मुंशी मोहम्मद दीन स्टालिन से पढ़ा हुआ है या अच्छे दार से पढ़ा हुआ है। अच्छा प्रोफेसर ग्रिल करता है, ग्रिल करके ना वो जंग उतार देता है, जब जब्त देता है नीचे से शफाफियत और चमक और दमक आ जाती है पर्सनलिटी में। तो अपने आप को ग्रिल करने के उस मरहले शौक से गुजारना शुरू करते हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन, जिसका नाम है तरक्की, जिसका नाम है शादमानी, जिसका नाम है खुशहाली। तो खुशहाली और शादमानी कोई मिरास में जरूरी नहीं कि आए कि रायवंड में आपने 5 करोड़ की ज़मीन ख़रीद लिया तो 25 करोड़ की हो गई, लिहाजा अब्बा जी ने अमीर कर दिया। नहीं, ये गलत मिथ है। इस मिथ को तोड़ना आपका काम है, इस मिथ को तोड़ना आपका काम है। और कम्युनिकेशन पे आज हम थोड़ी सी बाज़ाफ्ता गुफ्तगू करते हैं। मैं आज की गुफ्तगू सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन स्किल पर रखूँगा, रिटर्न पर नहीं जाऊँगा। 1.5 घंटे में मैं क्या करूँगा, तो मैं दरिया को कूजे कि मैं बंद करने की कोशिश करता हूँ और सिर्फ 4 चीज़ों पर फोकस करूँगा। टोन, गुफ्तगू का अंदाज जिस पे गालिब कहता है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। टोन पे बात करेंगे, वर्ड्स पे बात करेंगे, और तीसरा साइलेंस पे, और चौथा लिसनिंग पे, और टाइम मिला तो फीडबैक पे। इन चारों पे हम बात करेंगे, और ये चारों चीज़ें आपको दफ्तरी अमूर में, ज़ाती ज़िंदगी में, सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, टेक्निकल लाइफ में, एज ए डिप्लोमैट, एज ए प्रोफेसर, हर जगह हेल्प करेंगे। थैंक यू जी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस फेमस स्टेटमेंट से, डोंट क्रश द डार्कनेस लाइट ए कैंडल, अंधेरों को मत दूना ठहराएं, रोशनियां फैलाएं। और खालिद साहब की टीम ने माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा एफर्ट किया है कि रोशनी फैलाने का सिलसिला शुरू किया। खालिद साहब मुबारकबाद हो आपको, और इस एज में खालिद साहब भी पे बैक करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे सलीम साहब कोशिश कर रहे हैं। तो सर इसको इनके इनके जज्बे को सलाम करते हुए आगे चलते हैं। उर्दू का शायर है जनाब एक अहमद फराज, कहता है शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते। मेरे सामने यूनिवर्सिटी है, मैं ऐसे कॉफ़ी पी रहा था टांगों पे टांगे रख के, और टीम को मैं डरा रहा था कि मैं बॉस हूँ, मेरे लिए बड़ा आसान था। मैं सारे काम छोड़ के इसलिए आया हूँ कि मैं अपने हिस्से की शमा जलानी है, अपने हिस्से की शमा जलाऊंगा। आप में से भी 2, 10, 20, 50 ने वर्ल्ड बैंक में जाना है। अगर मैं कृष्णनगर से वर्ल्ड बैंक में काम कर सकता हूँ Washington DC में व्हाइट हाउस के सामने, तो आप भी कर सकते हैं, कोई रोक तो नहीं ना सकता आपको। मेरिट बेस ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी में नोबडी कैन स्टॉप यू, दिस इज अप टू यू टू डिसाइड, अप टू यू टू डिसाइड। और डिसीजन में सबसे बड़ा रोल कम्युनिकेशन का है, जो कि सुन्नत अंबिया भी है। जनाब रसालत आप की ज़ात अकदस को सलाम करते हुए मैं एक वाक्या पेश करता हूँ कि जब उन्होंने अपना मैसेज दिया तो बाकायदा कम्युनिकेट किया एक टीले पे खड़ा होकर, उसमें सादिक और अमीन के हवाले से गुफ्तगू से स्टार्ट हुआ, तो ऊंची जगह गए ताकि आवाज़ जा सके। तो जनाब रसालत आप की ज़ात अकदस में उनकी मैसेज की हकानियत उस वक्त लोगों पर मुसल्लम हुई जब उन्होंने सुना। तो सुनना प्रीरिक्विजिट है कम्युनिकेशन का। तो आज हम लिसनिंग पे भी बात करेंगे। एक साथ का गौर और फिक्र रात भर कयाम करने से अफजल है, और गौर और फिक्र करें। बी ए लाइट नॉट ए जज, एंड बी ए मॉडल नॉट ए क्रिटिक।
تنقید کرنے میں ٹائم ضائع کرنا چھوڑ دیں جو دیسی فیشن ہے کہ یہ بھی دو نمبر, یہ بھی کافر, یہ بھی مشرک. یہ ججمنٹ کا اختیار ہمارا نہیں, ہمارا اختیار ہے صرف لائٹیں, روشنی پھیلانا, بس یہ ہمارا کام ہے. امید پھیلانا, روشنی پھیلانا آپ کا کام ہے. امیدیں پھیلاتے رہیں. تعلیم یافتہ بندے کے لیے امید پھیلانا زیادہ آسان ہے بنسبت جو نسبت روڈ پہ ایک بندہ کیلے بیچ رہا ہے. آپ امیدیں پھیلائیں, یہ آپ کا کام ہے. سنت انبیاء, بی اے ماڈل, نوٹ اے کرٹک. نقاد نہ بن جائیں, نقاد بننا بڑا آسان ہے. ٹو بی کانشیس دیٹ یور اگنورنٹ از اے گریٹ اسٹیپ ٹو نالج. اس بات کا ادراک کر لینا کہ میرے پاس کمی ہے علم کی, یہ ترقی اور سرفرازی کی منزل کو حل کرنے کا پہلا مرحلہ ہے. اپنی زبان کو کسی کی عیبوں سے آلودہ نہ کرو, کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں, زبانیں دوسروں لوگوں کی بھی ہیں. تو کمیونیکیشن میں میں اسٹارٹ حضرت علی کی اس کال سے کر رہا ہوں. یہ آج ہمارا ٹاپک ہے, ورڈز, الفاظ کی سلیکشن کیا ہوگی آپ کی کمیونیکیشن میں. ایز اے انجینئر دفتروں میں انجینئر اکثر مار کھا جاتے ہیں, اوپر نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے اوپر؟ ورڈز کی سلیکشن میں ویک ہوتے ہیں. ابھی کسی نے اسلام آباد میں جو انجینئرس کنونشن ہوا, اور بڑا اچھا کنونشن ہوا, ہمارے چیئرمین انجینئرنگ کونسل نے, چیئرمین جواد صاحب نے بہت زور لگایا. تو بیوروکریٹ کے پاس آرگومنٹ ہے کہ جی ہم انگریزی بڑی اچھی لکھ لیتے ہیں, ہم بول بڑا اچھا لیتے ہیں, ہم ڈریس بڑا اچھا ہوتا ہے, ہم ڈپلومیٹ ہیں, اور انجینئرس کے پاس یہ اسکل کم ہے, لہٰذا آپ اوپر نہیں آ سکتے, یا آپ کو ہم پابندیاں لگائیں گے لاشعوری طور پہ. تو ان کے پاس آرگومنٹ یہ ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی کمیونیکیشن اسکل, رائٹنگ اسکل, وربل اسکل پہ انویسٹ کریں. یہ میری آپ سے ایک ہمبل سبمیشن ہے, اپنے ورڈس پہ, ٹون پہ. سائلنس بھی کمیونیکیشن ہے, جس کو علامہ اقبال ایک شعر میں کہتے ہیں کہ کب خاموشی گفتگو ہے, بے زبانی ہے زبان میری. سائلنس بھی کمیونیکیشن ہے. اور لسننگ سنت انبیاء ہے. جناب رسالت امام مدینہ منورہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں گرمی کے دن, اور ایک عورت اپنی کہانی سنا رہی ہے, پسینے سے شرابور ان کا ڈریس. تھوڑی بہت تشریف لائے تو مسجد نبوی میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ تو پاگل عورت تھی. جناب رسالت نے ارشاد فرمایا کہ یس, مجھے پتہ ہے, لیکن میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ تو آپ سبحان اللہ کہہ کے اس کو, نہ صرف سبحان اللہ کہ بلکہ کمزوروں کو سنیں, پاگلوں کو بھی سنیں, یہ سنت ہے. اور کمزوروں کے علاوہ سبآرڈینیٹ کو بھی سنیں. قرآن پاک کی میں اس آیت سے سٹارٹ کر رہا ہوں جو کمیونیکیشن سکل پہ ہمیں پہلی ڈائریکشن دے رہا ہے. تیسویں پارے کی آیت ہے, ویلیو لکلی ہمزا لمزا. ہر ایسے شخص کے لیے بڑی خرابی ہے جو عیب نکالنے والا اور تانا دانے والا ہو. تب قرآن پاک ہمیں کلیئرلی انسٹرکٹ کر رہا ہے کہ آپ کی گفتگو میں, ٹون میں نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی, تانا نہیں ہوگا, اور عیب جوئی نہیں ہوگی. یہ پہلا انسٹرکشن ہے جو دین متین میں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. اور کوئی آنا انسان کی اتنی اچھی تصویرکشن نہیں کرتا جتنی اس کی بات چیت کرتی ہے. سنگل اپ, چائنیز پروورب دیکھیں, چائنیز کہاوت کیا ہے جناب, اے سنگل کنورسیشن ود اے وائز مین از بیٹر دین 10 ایئرز آف اسٹڈی. تو ہو سکتا ہے ڈیڑھ گھنٹے کی یہ سیٹنگ ہے کسی ایک سے دو بندوں کے دل میں کوئی آگ لگا دے, میں شعلہ جلانے میں شاید کامیاب ہو جاؤں, اور 10-20 بندے ماسکو, ٹوکیو اور واشنگٹن میں آپ جیسے ادھر سے نکلیں اور چھا جائیں جا کے اچھی کمیونیکیشن سے, اچھی رائٹنگ اسکل سے, اچھے ایکسپریشن سے. بیکاز یو نیور گیٹ اے سیکنڈ چانس ٹو گیو دا فرسٹ امپریشن, اینڈ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو پھر کمیونیکیشن کیا چیز ہے؟ دا ابلٹی ٹو لسن, ٹو لسن نا, پہلی بات ہے لسن, ابزرو, مشاہدہ, اینڈ انٹرپریٹیشن, کہ کسی کی گفتگو کی وضاحت. یہ تینوں چیزیں کمیونیکیشن میں آ رہی ہیں. آل فارمز آف لینگویج از اسینشل فار افیکٹو کمیونیکیشن. اب آپ کسی بھی جگہ پہ ہوں, آپ کی سکسیس کا دور و مدار کس چیز پہ, 5% بائی یور اکیڈیمک کریڈینشل. اس ڈگری کی وجہ سے 5% آپ کی ترقی کی پرابلٹی انکریز ہوتی ہے, 5% ویٹیج ہے اس کی, اور 15% بائی یور پروفیشنل ایکسپیرینس. جیسا یہ ہائی ٹیک پروفیشنلز بیٹھے ہیں, 15% ان کا, ان کی ترقی میں ان کی تجربے کا رول ہے, اینڈ 80% بائی یور کمیونیکیشن اسکلس. اب کمیونیکیشن اسکلس پہ انویسٹمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں, تاکہ وہ اردو میں جو آپ نے ٹی وی میں ایڈ دیکھا نا کہ آ گیا, چھا گیا, ٹھا کر کے, وہ ٹھا کرنے والا بندہ صرف اور صرف کمیونیکیشن کی وجہ سے بام عروج پہ پہنچتا ہے. سو کائنڈ ورڈس کین بی شارٹ اینڈ ایزی ٹو اسپیک, بٹ دیئر ایکوز آر ٹرولی اینڈ لیس. تو گفتگو میں کائنڈنیس کو جتنا ایڈ کرتے جائیں گے اتنی پازیٹیوٹی بڑھتی جائے گی. تو پہلی چیز ہے پری ریکوزٹ آف سکسیزفل کمیونیکیشن. یہ 4-5 پوائنٹس ہیں, ہم باری باری جاتے ہیں, 5-5 منٹ ہر ایک پہ لگائیں گے. سو بفور یو اسپیک تھنک, اور تھنک اسٹینڈس فار, از ٹی اسٹینڈس فار از اٹ ٹرو, سیکنڈ ہے از اٹ ہیلپ فل, کہ میرے بڑے بولنے سے کسی کی مدد ہوگی, اور کیا اس میں سچائی کا عنصر غالب ہے, از اٹ انسپائرنگ,
क्या लोगों के दिलों को गरमा रहा है, कल्बो नजर को शिकार कर रही है मेरी गुफ्तगु। अल्लामा इकबाल शेर में कहते हैं कि गरमाओ गुलामों के लहू ज़ौके यकीन से, गुफ्तगु से लोगों के दिलों को गरमा दो। मेरे ग्रेजुएट नस्ट और यूटी के, मैं सिर्फ उनको इनक्रेज करता हूँ, रिसर्च सिखाता नहीं हूँ, और 6 महीने बाद उनके पेपर छपे होते हैं। तो इंस्पायरिंग गुफ्तगु से भी आप बड़ा बड़ा मौज़े कर लेते हैं। उसने जब स्पेन फतह करना था, खालिद कौन था जी, तारिक बिन ज़ियाद, तो उसने एक स्पीच की थी और किश्तियों को आग लगा दिया था। उस स्पीच से लोग पागल हो गए थे, नामुमकिन काम था, स्पेन फतह नहीं हो रहा था, फतह हो गया। तो आप गुफ्तगू से लोगों के लहू को गरमाया करें, यह आपके पे एक बड़ा मुकद्दस अल्लाह ताला की इमानत है, गुफ्तगू से गरमाना। तीसरा है जना, चौथा है जी, इज इट नेसेसरी, क्या मेरा बोलना ज़रूरी है? ये भी आप देखें, इस फिल्टर से गुजार रहे हैं अपने आप को, और क्या गुफ्तगू में काइंडनेस का एलिमेंट है? इस फिल्टर से गुजारते हैं तो आपकी गुफ्तगू में सक्सेस का एलिमेंट आ जाता है। सेकंड देखते हैं फिलॉसफी ऑफ कम्युनिकेशन, और इसमें आपने ये फेमस स्टेटमेंट देखी होगी, हमारे यहाँ तनकीद को अक्सर बेइज्जती समझा जाता है, चुनाचे अहम मसाइल पर शुरू होने वाली गुफ्तगू ज़ातियात पर हम लोगों के साथ इख्तिताम पज़ीर होती है। तो आप जब भी कमेंट्स दें उसकी टोन में नेगेटिविटी ना हो, उसमें पॉजिटिविटी हो और इसलाह का एलिमेंट हो तनकीद में, तो वह कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का रोल इख्तियार कर लेगी। उसको कहते हैं तामीरी तनकीद, तामीरी तनकीद करें, उसमें तंस का एलिमेंट ना हो, उसमें रेडिकुल करने का एलिमेंट ना हो। बल्कि मैं 4 ते का जिक्र करना चाहूँगा, जो 4 ते अगर आप ज़िंदगी में इख्तियार कर लें तो आपके दुश्मन कम से कम हो जाएंगे गुफ्तगू के ज़रिए। पहला ते है कि आप तनकीद बेजा तनकीद से गुजरेज करें। दूसरा है तजलील, आपकी गुफ्तगू में तजलील अमेज ले जाना हो, तनकीद तजलील। तीसरा है तौहीन ते, और चौथा क्या हो सकता है जी, कोई बताएगा? तजलील, तनकीद, तौहीन और तजहीक। तजहीक होता है रेडिक्यूल करना। ये 4 एलिमेंट आप गुफ्तगू से एलिमिनेट करते हैं तो आप में शेफ्तगी और शाइस्तगी आ जाएगी। सूरह हजरात को आप पढ़ें, उसमें कम्युनिकेशन के बारे में अल्लाह ताला ने 6-7 ऑर्डर्स क्लियर कर दिए हैं। शायद मैं उनकी आयात पेश कर सकूँ, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन सूरह हजरात को तर्जमे के साथ पढ़ें, उसमें अल्लाह ने कम्युनिकेशन के हवाले से बड़े क्लियर ऑर्डर्स दिए। इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन आप कैसे बढ़ाएंगे? फादियत, मकसदियत, जामियत आप अपनी गुफ्तगू में कैसे लेके आते हैं? अगला सवाल ये आता है, बात में वजन पैदा करने के लिए आवाज़ का ऊंचा होना ज़रूरी नहीं, बल्कि बात का सच्चा होना ज़रूरी है। कमज़ोर और झूठे लोग चीखते हैं, जबकि सच्चे लोगों का लहजा बाद सभा की माने धीमा और पुरसकून रहता है। और हजरत अली का कॉल क्या जनाब, जो शख्स जल्दी के साथ हर चीज़ का जवाब देता है वो ठीक जवाब नहीं देता। तो इसमें सोच का अमल जवाब देने से पहले तफक्कुर। सो रेज योर वर्ड्स नॉट योर वॉइस, इट इज रेन दैट ग्रोज फ्लावर नॉट थंडर। जब बारिश, जब बादल गरजते हैं तो फूल मुरझा जाते हैं गरज की उसकी इंटेंसिटी से, लेकिन बादल के गरजने से नहीं। किससे हो जनाब फूल खिलता है? आपके पास बारिश से। तो आपकी गुफ्तगू बाद सभा की तरह नरम हो। द वॉल्यूम ऑफ योर वॉइस डज नॉट इंक्रीज द वैलिडिटी ऑफ योर आर्गूमेंट। तो 2 चीज़ें इंसान के काम आएंगी, गुस्से की हालत में कोई फैसला मत करो और खुशी की हालत में कोई वादा मत करो। ये जनाब लाइफ स्किल्स हैं, ये टिप्स हैं जिंदगी के, जो कम्युनिकेशन के कवर में मैं देने की जसारत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि सादत कर रहा हूँ। इस सादत से मुझे महरूम ना करें, रजिस्टर करते रहें, रजिस्टर करते रहें, रजिस्टर करते रहें। ये सारी की सारी वीडियो यूट्यूब में परसों चौथ चढ़ जाएगी, अगर आप कोई मिस करते हैं दोबारा देखें, फिर दोबारा देखें। लाइफ के टिप्स मैं दे रहा हूँ आपको, तरक्की के टिप्स, इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर कम्युनिकेशन। अब हदीस नबवी है कि आदमी झूठा होने के लिए यही बात काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई बात को बयान करते हैं। इंसान की ज़ुबान शेर की तरह है, अगर तुम उसको काबू में रखो तो दूसरों को ज़ख्मी कर देगी। मजाक ज़रूर कीजिए, मगर ध्यान रखें कि मजाक करने में, मजाक उड़ाने में फ़र्क आपको मालूम हो। तो मजाक पगड़ी उछालने का नाम नहीं है, तजलील और तजहीक का नाम नहीं है, याद रखिएगा। जब आप ये शुरू कर देंगे तो आपके दुश्मन बढ़ते जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी में होछापन आ जाएगा और आप में एक नेगेटिविटी का एलिमेंट आपके साथ मंसूब हो जाएगा और लोग आपकी कंपनी से घबराएंगे। जहाँ चले जाएंगे लोग उठ के जाने लग जाएंगे, ये बेइज्जती करेगा, तस्दीक करेगा, तस्लील करेगा और भक्तियाँ कसेगा। तो आपकी पर्सनालिटी में खुशनुमा तसव्वुर लाने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसमें ये टिप्स दे रहा हूँ कि आपकी गुफ्तगू जामियत में और मकसदियत से और काइंडनेस से और पॉजिटिविटी से भरी हो। वो ज़माने ख़त्म हो गए हैं जब आपके पास डिग्री का
دوسرے کی توہین. جب اختیار کا مطلب ہے پگڑی اچھالنا, وہ زمانے ختم ہو گئے. Those days are gone. Be careful with your words. Once they are said, they can only be forgiven, not forgotten. لوگ معاف کر سکتے ہیں, بھول نہیں سکتے الفاظوں کو. اور اشفاق احمد کیا کہتے ہیں لفظوں پہ, لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں, اگر یہ کاٹ لیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے. لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک, بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے. تو وی شوڈ بی ویری کیئرفل بفور اٹرنگ آور ورڈس. وی شوڈ بی ویری کیئرفل. ورڈز آر انرجی, یوز وائزلی. بلکہ ورڈز کو انرجی کے طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں. مائیں بچوں کو انرجی دیتی ہیں گفتگو سے کہ یس یو کین ڈو دس, اور بچہ کرنے لگ جاتا ہے. ایک تو ڈالڈا کا بچہ نا جو ہمیشہ فرسٹ آتا ہے ٹی وی میں, بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں ڈالڈا کا بچہ فرسٹ آتا ہے. اسی طرح اگر آپ ورڈز کو انرجی کے طور پہ یوز کرتے ہیں تو لوگوں کو پاورفل ٹونک ملتی ہے. ورڈز انرجی, یوز دیم ان یور فیور. نیور یوز ورڈز لائک ڈیفیٹ, پرابلم, ہرڈل اینڈ ڈیفیکلٹی. آلویز یوز ورڈز لائک سکسیس, وکٹری, ہوپ اینڈ لائٹ اینڈ اپرچونیٹی. تو آج کے بعد ڈیفیکلٹی ورڈ نہ کہیں اپنی زندگی میں, کیا کہیں, اپرچونیٹی. ہر ڈیفیکلٹی کے پیچھے اپرچونیٹی ہوتی ہے, یاد رکھیں. جب آپ ڈیفیکلٹ کل ان کو اٹھاتے ہیں نا جو 50 سال پہلے دادا جان نے بیسمنٹ میں بچایا تھا, تو نیچے سے ایک ڈبہ نکلتا ہے ڈائمنڈ کی انگوٹھی کا, ساتھ ہی چٹ ہوتی ہے کہ میری تیسری نسل میں جو اٹھائے گا اس ڈبے کو, اس قلین کو, اس ڈیفیکلٹ قلین کو, ساتھ بچھو اور وہ بھی نکلتے ہیں, سانپ بھی اس قلین کے نیچے. لیکن وہ ڈبہ لینے کے لیے بچھو اور وہ سانپ مارنے پڑتے ہیں. تو ہر ڈیفیکلٹی کے پیچھے اپرچونیٹی ہوتی ہے. آج کے بعد ڈیفیکلٹی کو اپرچونیٹی کہیں, آج کے بعد ڈیفیکلٹی کو اپرچونیٹی کہیں. جب میں نے یو ٹی سے ایک دن کے نوٹس پہ فارغ ہوا, میں پروفیسر تھا 21 گریڈ میں اور بڑی ہائی ٹیک پے مل رہی تھی M1 اسٹائل کی, تو میں لوگوں نے کہا یار بڑی ڈیفیکلٹ زندگی, اب آپ کے پاس کیا ہوگا. میں کہا یہ اپرچونیٹی ہے, میں تو دریاؤں سمندر میں اتر جاؤں گا. 2 ہفتے بعد, میں 3 ہفتے بعد اسلام امریکہ کی, میں جاب کی آفر, میں امریکہ نکل گیا. امریکہ کے بعد مجھے پھر ورلڈ بینک میں جو دوست بیٹھے ہوئے تھے, جہاں 20 پہلے آ جاؤ ادھر آ جاؤ یار, منجی خالی ادھر آ جاؤ, میرے لاہور کے دوست تھے جو ورلڈ بینک میں. تو ہر ڈیفیکلٹی اپرچونیٹی کا دوسرا نام ہے. تو آج کے بعد اپنے لفظوں کی شناخت میں وہ استعمال نہ کریں ورڈ جس میں مایوسی آتی ہے زندگی میں, جس میں ہوپ لیسنس آتی ہے. وہ ورڈ استعمال کریں جس میں انرجی ہے, اور انرجی ہے صرف امید, اور امید اعتماد دیتی ہے. اعتماد کا مطلب ہے سکسیس. تو آپ سکسیس لینا چاہتے ہیں نا, تو پھر پر امید گفتگو کیا کریں, پر امید گفتگو کیا کریں. اقبال ایک شعر میں کہتا ہے کہ نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے, نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے. عرفان میں تو ترقی, ترقی اور علم کیا زوال شروع ہوتا ہے نا امیدی سے. تو اپنی گفتگو میں وہ ورڈز یوز ہی نہ کریں جس میں نا امیدی ہے, جس میں آپ کہیں جی ڈیفیٹ. ڈیفیٹ کو کہیں فرسٹ ایج آف سکسیس. ڈیفیٹ کیا چیز ہے؟ فرسٹ ایج آف سکسیس. یو آر ناٹ فیلئر ایز لانگ ایز یو آر ٹرائنگ, یو آر ناٹ فیلئر ایز لانگ ایز ٹرائنگ. ہاں آپ اس وقت ہار جاتے ہیں جب آپ کی سوچ ہار مان جاتی ہے. تو سوچ کو توانا رکھے, توانا خیالات کے ساتھ اور توانا الفاظ کے ساتھ. Words have power. Today, let our intention be, I will use my words for comfort, hope and healing. آپ کے الفاظ صرف ہیل کرنے کے لیے, زخم مندمل کرنے کے لیے استعمال ہوں, آپ کے الفاظ زخم لگانے کے لیے استعمال نہ ہوں. وہ دیسی اپروچ ہے, موچی دروازے میں چلے ہو, وہ دیسی اپروچ ہے طنز والی. ہاں آپ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, آپ نے پازیٹو بات کرنی ہے, آپ نے صرف خوشحالی کی بات کرنی ہے, شادمانی کی بات کرنی ہے, ترقی کی بات کرنی ہے. Words have wing, so speak good things. Be careful with words because they reflect your heart, my heart. آپ کے الفاظ آپ کے دلی جذبات کا آئینہ دار ہے. آپ کے الفاظ آپ کے دلی جذبات کا آئینہ دار ہے. Never lose a chance of saying kind words and spread hope. I am by calling a dealer in words. یہ اسٹیٹمنٹ ہے روڈیارڈ کپلنگ کی. لاہور میں رہتا تھا یہ, نیشنل کالج آف آرٹس میں اس کا باپ پرنسپل تھا, اور لاہور میں 1940 میں سول اینڈ ملٹری گزٹ کا ایڈیٹر بھی تھا لاہور کینٹ میں. اس کو نوبل پرائز بھی ملا ہوا اس کی بک پہ, جنگل بک پہ غالباً یا کیمز پہ. یہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے, لاہور کا انگریز فلاسفر. لاہور میں انگریز فلاسفر بھی تو ہو سکتے ہیں, دیسی فلاسفر, کالے فلاسفر بھی ہو سکتے ہیں. میں اتنا پھر ہمارا خیال ہے گورا رنگ ہی ترقی کی علامت ہے. تو اب میں اس لیے گورے رنگ کا حوالہ دے رہا ہوں, اس نے نوبل پرائز لیا ہوا ہے. اس کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں جی, لاہوری نوبل پرائز کھلا تضاد ہے ویسے ہی. لاہور کے ساتھ سب نہاری اور لسی ہے, اللہ کرے وہ دن بدل دیں آپ نہاری لسی سے نکل جائیں. سو آئی ایم بائی کالنگ اے ڈیلر ان ورڈز, اینڈ ورڈز آر آف کورس دا موسٹ پاورفل ڈرگ یوزڈ بائی مینکائنڈ.
Words have power today. Through our words, let us bring comfort to those who feel confused and hope to those who are in need of healing. The words that enlighten the soul are more precious than jewels. अब मैं वर्ड्स पे बात कर रहा हूँ. हम आज की गुफ्तगु डेढ़ घंटे तक महित रख रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन पे. वर्बल में पहली चीज है वर्ड्स, और वर्ड्स की सिलेक्शन में एहतियात लाजमी है. एक लफ्ज आगे पीछे हुआ नहीं इंटरव्यू में, फारख, खलास, खलास. वो सऊदी अरब में नहीं कहते ठप्पा लगाते, खलास तो खलास कर देता, फारख कर देता वो. तो आपको बड़ा मोहतात होना पड़ेगा. अपनी वोकैबलरी उर्दू और अंग्रेजी दोनों की बढ़ाएं अगर आपने तरक्की करनी है. ये डिग्री आपको इंडस्ट्री में एंटर करने में मदद देगी, एक्सेल करने में. आपकी पर्सनैलिटी, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स मदद देंगे आपको इंडस्ट्री में जाने के बाद. तो अगला है टोन, अंदाज गुफ्तगु. गालिब एक शेर में कहता है, तुम ही कहो कि अंदाज गुफ्तगु क्या है. हर एक बात में तुम कहते हैं कि तू क्या है. तो टोन पर बड़ा लोग सेंसिटिव होते हैं. दुनिया में 90% फसाद, लड़ाई, जंग, डंडा सोटा, डंडा सोटा की वजह से नहीं होता, टोन की वजह से होता है. 10% होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. आपने आम लाहौर में देखा है आप किस तरह बात कर रहे हैं. टोन पे लड़ाई शुरू होती है, टोन पे दफ्तर टूटते हैं, टोन पे घर टूटते हैं, टोन पे मुल्क टूटते हैं. यहां तक जाने का टोन पे बड़ा. सूरह हजरात में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बारगाह रसालत में शिफ्तगी और आहिस्तगी से बोलो, ऐसे ना हो कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाए, तुम्हें खबर भी ना हो. तो शेफ्तगी और आयस्तगी का अल्लाह ताला बार बार हुक्म दे रहे हैं गुफ्तगू में टोन के हवाले से. तो लहजा इसका तर्जमा है. टोन का, टोन का तर्जमा है लहजा. लहजा अल्फाज का डीएनए है जिससे नजर का फतूर, नीयत का खोट और दिल का चोर पकड़ जाता है. ये मिलियन डॉलर की स्टेटमेंट है. ये स्लाइड सारी की सारी मैं आपको दे जाऊंगा प्रोफेसर साहब के तौर से. इसको बार बार पढ़ें, फिर लाएं. इसमें कोई कॉपी राइट्स नहीं है. अगर आपको नहीं मिलती मेरे दफ्तर में आ जाए, मेरे ईमेल करें, मैं ईमेल कर देता हूँ. इनको बार बार पढ़ें. हर स्लाइड में एक मैसेज है ज़िंदगी का, और हर मैसेज से आपको तरक्की और शादमानी और खुशहाली आपके पीछे भाग रही होती है. तीन खवातीन आपके पीछे भाग रही हैं, तरक्की, खुशहाली और शादमानी. पीछे क्यों आ रही हो मेरे? कम्युनिकेशन स्किल जो अच्छा है आपका. और थोड़ी देर में तीनों ने पकड़ा मुझे, सातवें आसमान पर ले गई. वहाँ कौन थी? रिफत. सातवें आसमान पर रिफत रहती है ना. रिफत होता है सातवें आसमान पर रहने वाली शख्सियत. रिफत के पास में पहुंचा, उसने कहा तुम तो सुरैया के काबिल हो. सुरैया क्या चीज़? अगली क्या कशां की मालक. मैं इकबाल की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, रिफत और सुरैया. ये कोई फिल्मी लैंग्वेज नहीं, कोई उर्दू लैंग्वेज नहीं कि आप स्माइल दे देंगे खुश होने लग गए. तो आपने सुरैया और रिफत को पकड़ना है तो अपने लहजे को 90% आपको गारंटी लहजे से मिलेगी आपकी तरक्की. यही स्टेटमेंट है, 10% ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज ड्यू टू डिफरेंस इन ओपिनियन एंड 90% इज ड्यू टू द रॉन्ग टोन ऑफ वॉइस. तो आज के बाद अपनी टोन पे बड़ा इन्वेस्ट करेंगे. मैसेज, दूसरा मैसेज ऑफ द डे है. पहले अल्फाज हो गया, दूसरा टोन हो गया. वो एक बात बहुत अलग कही थी उसने, बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका. जब आपको कोई फर्क करे ना तो लहजे पे फर्क होते हैं आप, अल्फाजों पे नहीं होते. अल्फाजों पे नहीं होते, लहजों में फर्क होते हैं. स्ट्रेंज टोन, बहुत पुराने फ्रेंड थे, आज टोन उसकी स्ट्रेंजर थी. तो पता चल जाता है यू आर फर्क, यू आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. आप भी मोहम्मद जिनी जो बन गए. कौन था जिनी जो? आई प्रेज लाउडली एंड आई ब्लेम सॉफ्टली. ये कैथरीन द ग्रेट है जो 50 साल हुक्मरान रही रशिया की. इट डज नॉट कॉस्ट 1% टू बी पोलाइट. और हजरत अली कॉल देखें जी, परिंदे अपनी पाँव और इंसान अपनी जुबान की वजह से जाल में फंसते हैं. गुफ्तगू नरमी इख्तियार करो क्योंकि लहजों का असर अल्फाज से ज्यादा होता है. आज लहजे की शामत आई है, पहले अल्फाज की शामत थी, अब अगली शामत लहजे की है. ये एक बड़ी मजेदार नज़म है जिसको मैं आहिस्ता सा पढ़ता हूँ. मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊँ तो लहजे याद रखता हूँ. लहजा याद रहता है, लफ्ज़ भूल जाते हैं. ज़रा सा हट के चलता हूँ जमाने की रवायत से, जिन पर बोझ मैं डालूँ वो कंधे याद रखता हूँ. मैं यूँ तो भूल जाता हूँ खराशें तलख बातों की, मगर जो जख्म गहरे दें वो रवैया याद रखता हूँ. तो रवैया और लहजा, रवैया और लहजा, रवैया और लहजा, रवैया और लहजा, इसको ज्यादा याद रखें. आपकी तरक्की आपके रवैये पे होगी और रवैये की मैनिफेस्टेशन आपके लहजे से हो रही है. एक मैंने भरी बस में रास की बात कह दी, या सदियों का ये खेल है जो चंद फिक्रों में मैंने कह दिया, रवैया और लहजा. अंबिया टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करने नहीं आए थे, रवैयों पे इन्वेस्टमेंट करते पाए गए हैं हमेशा. अल्लाह ताला ने जो मैसेंजर भिजवाए हैं वो लहजों पे बात करते थे और रवैयों पे बात करते थे. अब लहजे पे बात कर लिया, बात है साइलेंस,
خاموشی بھی گفتگو ہے. یس خاموشی گفتگو ہے, بے زبانی ہے زباں میری. خاموشی گفتگو, اقبال کا شعر ہے. تو خاموشی بھی, لسننگ بھی انٹیگرل پارٹ آف کمیونیکیٹنگ. اب جتنے اونچے رینک پہ جائیں گے, میں نے 17ویں گریڈ سے اسٹارٹ کیا 1995 میں اسلام آباد میں, اور یو ٹی میں 21ویں گریڈ سے میں نے خدا حافظ کہا یو ٹی کو, یا یو ٹی نے خدا حافظ کر دیا, جو بھی کہہ لیں, جس طرح بھی مارو. وہ آپ کہتے ہیں نا کہ وہ خربوزہ چھری پہ گرے یا چھری خربوزے پہ, ہر صورت میں خربوزہ نے کٹنا ہے, ہر صورت میں میں ہی نکالا گیا. ون فائن مارننگ یو ٹی نے کہا خدا حافظ, میں کہا خدا حافظ ایک دن کے نوٹس پہ. تو میں سائلنس پہ جو تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا, سائلنس سے ایک بہت بڑا ٹول ہے اور سنت انبیاء. جناب رسالت میں آپ کی ذات اقدس کو کوٹ کرتے ہوئے میں نے سعادت لی, تلاوت کی اس واقعے کی کہ ایک پاگل عورت کو سن رہے ہیں اور خاموشی سے سن رہے ہیں, پسینے سے شراب پورے اندر صاحب انتظار کر رہے ہیں نماز کے لیے. یعنی سننا سنت نبوی ہے, عبادت ہے. کمزور کا سننا میرے نزدیک زیادہ عبادت ہے, یہ میرا اپنا خیال ہے, پتہ نہیں غلط بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کمزوروں کو سنیں, اور سنتے وقت بوڑھی عورت ہے جیسے سر جھکائیں تاکہ اس کا سر چھوٹا ہے یا زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو اونچا رہا بولنا پڑے, اور اس کو سعادت سمجھیں کمزور کو سننا. اس کو سنت انبیاء کے طور پہ لیں, اس کو عبادت کے طور پہ لیں سننے کو. خاموشی حکمت ہے, اسے اختیار کرنے والے کام ہیں. خاموشی میں راحت ہے, لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے. ابھی میں سائلنس پہ بات کروں پھر لسننگ پہ بات کروں گا. سائلنس از لوڈڈ ود آنسر. اب خاموشی محبت بھی ہے اور خاموشی نفرت بھی ہے, کھلا تو زیادہ نا. خاموشی اظہار یس بھی ہے اور خاموشی انکار بھی ہے. نکاح کرتے وقت اکثر پاکستان کی لڑکیاں وہ نہیں بولتی خاموشی, مولوی صاحب سمجھتے خاموشی مطلب ہے الحال, ہاں جس کو فارسی میں کہتے ہیں الخاموشی نیم رضا, اور خاموشی کا مطلب نہ بھی ہے کہ پیسے دینے کے نہیں, اگلا چپ ہو کے بیٹھا ہوتا ہے اس کا پیسے نہیں دینا. تو سائلنس کے کوئی 30 ڈائمینشن ہے. میں پنجاب گورنمنٹ کے پروفیسروں کو پڑھاتا ہوں, تو ہم نے ایک ایکسرسائز کی ایک گھنٹے کی, سارے پروفیسر پرنسپل لاہور کے بیٹھے تھے. ہم نے کہا خاموشی کیا چیز ہے, کسی نے کہا کہ محبت, کسی نے کہا نفرت, کسی نے کہا پھول, کسی نے کہا جنگ, کسی نے کہا تیر, اور ہر چیز لوگ ثابت کر رہے تھے. ہم نے 30 ڈائمینشن خاموشی کی نکال لی. تو میں صرف 2-3 ڈائمینشن ختم کرتا ہوں تاکہ آگے چلیں, کیونکہ وہاں تو پورے دن کی ٹریننگ تھی, یہاں بھی آپ نے اٹھ کے گھڑیاں دے کے کلاسوں میں جانا شروع کر دیا. ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کرنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی زیادہ خوبصورت ہے. جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظ کے ضائع کرنے کے مترادف ہے. ریمبر دیٹ سائلنس از سم ٹائمز دا بیسٹ آنسر. خاموشی کا ادب کرو, یہ الفاظوں کی مرشد ہے. یہ بھی کھلا تضاد ہے ویسے, سویل بڑا والا, سویل بڑا غائب ہو گیا جیو سے کہ ہے بھی اچھا دنیا میں. ہاں کون سا کیس ہے یو ٹی والا؟ ہاں ان کے ساتھ بھی خربوزے پہ گرے یا خربوزہ اس پہ گرے, سویل بڑا اس نے جبا ہونا ہے نا. خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے. اچھا میں آپ کو, آپ کی ایج میں میں کم خاموش تھا اور زیادہ لڑتا تھا, جو جو اللہ نے شور دیا. جب میں یونیورسٹی میں 21ویں گریڈ پر ڈائریکٹر بنا تو میں نے کہا میں یونیورسٹی نہیں چلا سکتا اگر میں خاموش نہیں رہوں گا. تو پروفیسر آتے تھے ہماری تنخواہ کیوں نہیں آئی, امریکن گریجویٹ لڑکیاں چابی گھماتے ہوئے, ہمارا ٹی ڈی اب کیوں نہیں پاس ہوا, پروفیسر کیا ہے, وہ دو گالیاں دے کے چلی جاتی تھی. میں خاموش رہتا تھا, اگر میں جواب دینا شروع کرتا میں ادارہ نہیں چلا سکتا تھا. تو 21ویں 22ویں 24ویں گریڈ میں جب آپ جائیں گے تو آپ کی خاموشی میں آپ کی برتری اور فتح ہے. جتنا آپ میچور ہوں گے, جتنا اوپر جائیں گے, خاموشی از دا جواب. دیٹ از سائلنس اینڈ اسمائل از اکول ٹو سکسیس. ایس پلس ایس اکول ٹو ایس, ٹو ایس از اکول ٹو ایس. تو ایس کو ٹو پہ ایس ڈیوائڈ کرتے ہیں میتھمیٹکس میں, کیا ہوتا ہے 1/2 رہ جاتا ہے. اب شیخ سعدی کیا کہتے ہیں, میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا, جب بھی پچھتا ہوں اپنے بولنے پچھتایا. اب میں آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں بچوں کو, چھوٹا سا ٹپ. مجھے ایک امریکن پروفیسر نے 25 سال پہلے ٹپ دیا تھا مجھے, میں آپ کو آج 25 سال بعد ٹرانسفر کر رہا ہوں اس امریکن پروفیسر کا ٹپ خاموشی پہ. اس نے کہا کہ کبھی آپ کو ای میل کوئی میں کوئی ابیوز کرے یا آپ پہ ایک الزام لگائے, تنا دے ای میل میں, کبھی اس کا جواب اس وقت غصے میں نہ دے, چپ ہو جائے اور آئیڈیل کا جواب دیں نا. جواب دینا ہے تو 2 دن بعد جب ٹھنڈے ہو جائیں اس کو ڈرافٹ کریں کہیں پہ اور, تاکہ جلدی سے کمانڈ غلط میں دب نہ جا کے سینڈ نہ ہو جائے پری میچورلی. کہتا ہے اس کو جواب دینا ہے, اس میں اس کا ذکر ہی نہ کریں, وہ کہیں جی گول مول سا جی آپ کو غلباً غلط فہمی, اس کا وضاحت بھی نہ کریں. کہتا ہے معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا. غصے گالی کا جواب گالی نہیں ہو سکتا, یہ یاد رکھیے گا. تو آپ
ये खामोशी बेहतरीन तरीका है। ईमेलों पे कभी अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें। मैंने इस्लामाबाद में 18 साल यूनिवर्सिटियों को काफे चलाया है एज ए चेयरमैन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स। मैंने ये देखा कि पेपर वेट तक चल गए ईमेलों पे कि आपने ईमेल में ये क्यों लिखा 25 बंदों को सीसी कर दिया, आप मुझे जलील कर रहे हैं। इस तरह मैंने लड़ाइयाँ होते देखी हैं प्रोफेसरों की रजिस्ट्रार के साथ, और रजिस्ट्रारों को मैंने जिलों के यूनिवर्सिटी से निकलते देखा है। ये इसलिए मैं आपको टिप दे रहा हूँ कि आप ईमेल टाइप चीज़ों पर अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें। छोटा सा टिप, रजिस्टर कर लिया आपने अमेरिकन प्रोफेसर का? मैंने रजिस्टर कर लिया, जिंदगी थोड़ी सी सुकून में आ गई है, वरना हम पंजाबी तलवार निकाल के नारा तकबीर इज्जत हो गई है, सिर काट दो गैरत के नाम पे। ये गैरत के नाम की जो फजूलियात सदियों से चल रही है, इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है कि मेरी बेइज्जती हो गई है। सबसे बड़ी खूबी है जुबान पर काबू। ख्यालात की आमदनी कम हो तो लफ्ज़ों की फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, ठीक है जनाब। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक, और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। स्पीक ओनली व्हेन योर वर्ड्स आर मोर ब्यूटीफुल देन योर साइलेंस। ही हु डज नॉट अंडरस्टैंड योर साइलेंस विल प्रोबब्ली नॉट अंडरस्टैंड योर वर्ड्स। रिमेंबर दैट साइलेंस इज समटाइम्स द बेस्ट आंसर, नॉट समटाइम्स बट इन मोस्ट केसेस। द क्वाइटर यू बिकम द मोर यू कैन हियर। जितना आप खामोश होते हैं उतना सुन सकते हैं। अच्छे जज देखें अपने पुराने हाई कोर्ट के, बुढ़े बुढ़े सफ़ेद बालों वाले, वो खामोशी से सुन रहे होते हैं, बोलते कम है, उनके फैसले बोलते हैं। अब रिवर्स हो गया, अब जज भी बोलने लग गए, ये भी बोलता है तो तू बोलता है तो मैं भी बोलूँगा। द स्मार्टर यू गेट द लेस यू स्पीक। स्मार्टर कोई खूबसूरत नहीं, इंटेलेक्चुअली साउंड पीपल का नाम स्मार्टनेस है। हमारे पास स्मार्टनेस का दूसरा मतलब है कि मोहम्मद अली ज़ेबा की तरह खूबसूरत गाने गा रहा हो फिल्मों में, नहीं। स्मार्टनेस इज कंपोज्ड बिहेवियर एंड लेस स्पीकिंग। किसी की खामोशी को उसका तकब्बुर ना समझो, क्या पता वो अपनी ज़ात से जंग कर रहा हो। अब ये भी पाकिस्तान से मुल्कों में एक फैशन है कि बात ही नहीं करता, बड़ा फन्ने खां बना हुआ है, तकब्बुर में मुबतला है। तो उसकी नगेशन में मैंने ये हज़रत अली कॉल ढूंढा है कि क्या पता वो अपनी ज़ात की जंग कर रहा हो खामोशी से। जो इंसान जितना खामोश रहता है अपनी इज्जत को उतना महफूज रखता है। समटाइम्स यू हैव टू बी साइलेंट टू बी हर्ड। आपको कभी खामोश होना पड़ता था कि आप सुन सके। और अक्सर आपने देखा है कि जब हाई कोर्ट में अपील होती है ना सिविल कोर्ट से, तो कहते हैं जी दूसरी पार्टी का सुना ही नहीं गया, उसका मौकफ नहीं सुना गया, अपील फौरन एक्सेप्ट हो जाती है ना सुनने पे। सो इफ यू कैन नॉट बी काइंड देन बी क्वाइट। वाइज सोल स्पीक्स लाउडली इन साइलेंस। वाइज सोल स्पीक्स लाउडली इन साइलेंस एंड क्वाइट पीपल हैव द लाउडेस्ट माइंड। बुद्धा 40 साल खामोश रहा और 40 साल के बाद निर्वाण हुआ, और पहली जो स्टेटमेंट से कहता है व्हाट यू थिंक यू बिकम, माइंड इज एवरीथिंग। कहता माइंड इज एवरीथिंग एंड व्हाट यू थिंक यू बिकम, जैसे आपके ख्यालात होते हैं वैसे इंसान बन जाता है। ये बुद्धा ने 40 साल सोच के स्टेटमेंट्स देने, 40 साल सोचता रहा खामोशी से, बादशाह छोड़ दी, उसने ये नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला है, खुद निकल गया और अमर हो गया। खुद निकलने वाला अमर हो जाता है, खुद निकलने वाला अमर हो जाता है, याद रखिएगा। लिसनिंग इन कम्युनिकेशन। अब हमने साइलेंस पे बात कर ली, अब लिसनिंग पे आ जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट इज एक्चुअली लिसनिंग। तो लिसनिंग रिस्पेक्ट का दूसरा तरीका है, इज्जत देने का दूसरा तरीका है। टॉक लेस एंड लिसन मोर। डीप लिसनिंग फ्रॉम द हार्ट इज वन हाफ ऑफ द कम्युनिकेशन। खामोशी सुनना कम्युनिकेशन का आधा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क्या है? स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट इज अनदर हाफ। और दिल की गहराइयों से उसको तसल्ली देना और सोज़े गदाज के साथ उसको इनक्रेज करना, हौसला अफजाई करना, दूसरा हिस्सा कम्युनिकेशन। मैं आपको इनक्रेज करता हूँ सफ़ेक, आपकी गुफ्तगू में अगर हौसला अफजाई का एलिमेंट नहीं तो गुफ्तगू नहीं है। अगर आप मोटिवेट और इंस्पायर नहीं कर रहे तो आप फजूल लफ्ज़ का तकरार कर रहे हैं, अल्फाजों की तकरार कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ इन्हीं चीज़ों के आसपास रिवॉल्व करेगी, आपके दोस्त बढ़ जाएंगे, दुश्मन कम होने शुरू हो जाएंगे। बी ए गुड लिसनर, योर ईयर विल नेवर गेट यू इन ट्रबल। आपको पता है जुबान एक है और दो कान है, इसका मतलब है हमें डबल टाइम देना चाहिए सुनने के लिए। ना जुबान में हड्डी है ना दिल में हड्डी है, इसका मतलब है दोनों नरम है, तो हमें नरम जुबान और नरम दिल रखना पड़ेगा, दो चीज़ें और हो गई। सो व्हेन पीपल टॉक लिसन कंप्लीटली, मोस्ट पीपल नेवर लिसन। मैं जितने बड़े बड़े ओहदों पे गया, मेरे पास फरियादी मसाइल लेके आते थे, मसाइब लेके आते थे, मैंने कोशिश की कि मैं उनको सुनूँ ज़रूर। कहते थे कि ठीक है अगर आप नहीं भी कर सके, आपने सुन लिया आधा मसला हमारा हल हो गया, आपने सुन तो लिया ना,
मुझे ऐसे लोग कहते थे। तो जब आपके पास इख्तियार आएंगे तो आप भी लोगों को सुनना ज़रूर, जो सुनत अंबिया है, कमज़ोर को ज़रूर सुनना। ये क्या कह रही है खास, लिसनिंग इज़ अ मैग्नेटिक एंड स्ट्रेंज थिंग, मैग्नेटिक लिसनिंग में मकनातीसी कुव्वत है, ये अट्रैक्ट करते हैं लोगों के दिल लिसनिंग के जरिए। एंड ए क्रिएटिव फोर्स, और आपका तख्लीकी अमल भी जला बख्शता है, तख्लीकी अमल को जला बख्शी जाती है लिसनिंग के जरिए। आपके इंटरनल माइक्रो प्रोसेसर में कम्युनिकेशन की नई डायमेंशन में इस्तेवाल करने में कामयाब हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा, ये लिसनिंग की वजह से हो रही है ना। अगर आप लिसन नहीं करेंगे तो हो सकता है मेरी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाए। व्हेन यू टॉक यू आर ओनली रिपीटिंग व्हाट यू ऑलरेडी नो, बट व्हेन यू लिसन व्हाट, तब क्या होता है जनाब, यू मे लर्न समथिंग न्यू, यू मे लर्न समथिंग न्यू। ट्रू लिसनिंग इज समटाइम्स इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव ईच अदर, एंड लिसनिंग इज द वे, लिसनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल प्रोग्रेस। आज के बाद लिसनिंग को डबल टाइम दें लोगों की गुफ्तगू, और आधा बोलें उससे, आपकी शख्सियत में एक नयापन आ जाएगा। और एक महीने बाद आपके दोस्त और रिश्तेदार अजीज कहेंगे इसको हुआ क्या, इसको हुआ क्या। अगर ये चारों टिप्स मेरे आप रजिस्टर कर लें, अगर रजिस्टर नहीं हो रहे तो इस वीडियो को दोबारा देख लें, इन स्लाइड्स को मैं आपको देके जाऊंगा, इससे कोई कॉपी राइट्स नहीं है, ठीक है। मैं ट्रेनिंग में इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को हर चीज़ फ्री देता हूँ। इनको फैलाएं, फेसबुक पर डालें, दोस्तों को दें। ये चार पॉइंट्स मैंने वर्ड्स की अहमियत पे जोर दिया सबसे पहले, फिर मैंने टोन पे लहजे की बात की है, अब मैं किस बात की कर रहा हूँ, साइलेंस एंड देन लिसनिंग। और लिसनिंग जैसे मैंने बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल किया, सुन्नत अंबिया, इसको इबादत के तौर पे करें। हजूर पाक का शादे ग्रामी है कि अच्छी और मीठी बात भी सदका है, अच्छी और मीठी बात भी सदका है। तो मैं उस सदके के हवाले से मैं अच्छी और मीठी बात करना कोशिश कर रहा हूँ। वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट इज एक्चुअली लिसनिंग टू व्हाट अनदर हैज टू से। अब इम्प्रूविंग लिसनिंग एबिलिटी, अब लिसनिंग एबिलिटी कैसे इंप्रूव करेंगे, पहला कि कमिटमेंट मैंने बढ़ानी है कि मैं दरमियान में मुदाखलत नहीं करनी। मैं इस्लामाबाद में काम करता था, उस जमाने का डी जी ISI का मुझे एक दफ़ा फ़ोन आया, उसकी बच्ची मेरी स्टूडेंट थी, उसने मुझे बड़ी रिस्पेक्ट से बात की, लेकिन DGISI था पाकिस्तान का खुदा, खुदा है ना पाकिस्तान का, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफार कहना नहीं चाहिए लफ्ज़। तो मैं दरमियान में बात कर रहा था, उसने मेरे दरमियान में कर दिया, फिर थोड़ी बहुत फ़ोन बंद कर दी। आई फील इंसल्टेड एंड आई सी बैड एंड सैड कि उसका मेरी बात सुन के वो फ़ोन बंद करता। तो मैं आपको गुजारिश करूँगा कि जब आपके पास अल्लाह ताला अहदे इख्तियार दे तो दरमियान में गुफ्तगू में बोलने दें जूनियर को, नंबर वन, और नंबर टू दरमियान में टेलीफोन बंद ना करें, गुफ्तगू का सिलसिला मुनकता ना करें, पूरा सुन के मुनकता करें। ये भी रिस्पेक्ट देने का तरीका है, रिस्पेक्ट महज खड़ा होने देने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट महज पिज़्ज़ा हट के बाय वन गेट वन फ्री वीज़ा से नहीं होती। ये रिस्पेक्ट देने के तरीके हैं ज़िंदगी में, एक तसाब शराफत है, ये एहतराम आदमियत है, और कम्युनिकेशन के जरिए आप इसको हासिल कर सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटियाँ यही चीज़ सिखाती हैं हमारी, मुझे अच्छे स्कूल ने, सेंट्रल मॉडल स्कूल में ये चीज़ें सिखाई गई, गवर्नमेंट को लाहौर में मेरे टीचर्स ने, उर्दू के टीचर्स ने हमें चीज़ें सिखाई है। मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के एक प्रोफेसर UT याद आ रहे हैं, अभी उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो बताता था खड़ा कैसे होना है, ड्रेस कैसे पहनना है, इलेक्ट्रिकल का टीचर हमें बता रहा था, इलेक्ट्रिकल का टीचर UT में, और हमने बड़ा सीखा उससे। देन फोकस अटेंशन ऑन इम्प्रूवमेंट, कल्टिवेट एक्यूरेसी ऑफ फिल्टरिंग, फिल्टरिंग का मतलब है कि क्या चीज़ ज़रूरत है और क्या फालतू चीज़ अगला बोल रहा है, काम का कारामद हिस्सा क्या है लिसनिंग में, ये देखें कि कारामद जुज़्व क्या है, उसका मगज़ क्या है। एंड कंसंट्रेट और रिमेंबरिंग, कोशिश करेंगे याद रहे, एंड अप्लाई वेरियस टेक्निक्स ऑफ लिसनिंग। अब 10 कमांडमेंट्स ऑफ लिसनिंग में आपके सामने गोश गुजार करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने लिसन करना हो तो स्टॉप टॉकिंग, पहला उसका ये है, आपने फिर बोलना नहीं है। सरकारी दफ्तरों में और प्राइवेट सेक्टर में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में मैंने एक चीज़ नोट की कि अक्सर व बेशतर आपका स्टाफ आपसे बकायदा रिटर्न परमिशन लेके, अपॉइंटमेंट लेके आता है कि आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है। उसका बकायदा फॉर्मल तरीका है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में, और प्राइवेट सेक्टर में भी है तरीका। तो उस वक्त जब आप उसको टाइम देते हैं 15 मिनट या आधा घंटा, तो फिर गौर से सुने, फिर आपने मुदाखलत नहीं करनी। उसके आदाब हैं लिसनिंग के, मसलन मुझे किसी भी स्टाफ ने या स्टूडेंट ने कहा कि हमने आपसे टाइम लेके मिलना है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस वक्त मेरा मोबाइल ऑफ हो, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा ये इंटरकॉम उस पर उतार के रख दूँ ताकि अगला डिस्टर्ब ना करे, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा TV जो ऑफ हो जाए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मोबाइल पे मैसेज, फेसबुक पढ़ के दरमियान में स्माइल ना दे रहा हूँ,
मैं हर चीज़ ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं उसको टाइम देता हूँ। ये लाजमी बात है लिसनिंग के आदाब में। आप छः काम इकट्ठे नहीं कर सकते। ये मेरी गुजारिश, अगर आपने रजिस्टर कर लिया तो मैं आगे चलूँ। पहला है जी स्टॉप टॉकिंग, देन पुट टॉकर एट ईज़, जो आपको अपनी वारदात सुना रहा है, जुल्म की दास्तान सुना रहा है कि मेरे साथ ये इनजस्टिस हुआ है, मेरी तनख्वाह काट ली, मेरा TAD काट लिया, या गाड़ी में से निकल के उस बंदे ने मुझे थप्पड़ मार दिया और उल्टा मेरे पे उसने ये कर दिया। तो आप उसको गौर से सुनेंगे और फिल्टर करने की कोशिश करेंगे, रिमेंबर करेंगे उसने क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। उसको आसानी दें, सबसे पहले आते कुर्सी और मेज़ दें, उसको ठंडा पानी पेश करें, चाय पेश करें सर्दियों के हवाले से अगर, तो उसे कहें कि आराम से बात करो। अक्सर जो अपनी स्टोरी सुनाने आते हैं जुल्म की लिसनिंग में बॉसेस को, आप भी सब बॉसेस बनेंगे ना 2 साल 10 साल बाद, तो मैं फ्यूचर के लिए आपको बता रहा हूँ, तो सबसे पहले उसको वो आते जज्बात में आते अक्सर बेशतर होना शुरू कर देगा। तो आप दाएं बाएं के टॉपिक्स पे उसको उसको काम करें, उसको कंपोज करें। ये मैंने इससे किया और मैंने गोरों को भी ऐसे करते देखा, तो मैंने इतफाकन या लाशोरी तौर पर इन चीज़ों को अडॉप्ट किया। देन शो टॉकर दैट यू वॉन्ट टू लिसन, जो आपके पास अपना मसला सुनाने आए उसको साबित करें कि आप सुनने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। अब आप कहेंगे हम इंजीनियर हैं, हमने तो थीटा बीटा लिखना, हमें तो काम ही कुछ नहीं। आप में से 19वें 20वें 18वें ग्रेड पर जाएंगे तो आपका 40 से 60% टाइम इन्हीं चीज़ों पे खर्च होगा। मेरा 80 से 90% खर्च होता है इन चीज़ों पे, क्योंकि कम्युनिकेशन के डायनामिक्स को समझने में। और आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक टीम आई हुई थी, तो मेरी टीम ने आउट परफॉर्म किया, यंग लड़के लड़कियाँ थे सारे। एटलीस्ट मैंने तमाम बुराइयों के बावजूद सुनता जरूर, मैं टाइम जरूर देता हूँ बच्चों को। तो जब आप सीनियर होंगे आपने बच्चों को टाइम देना है, अपने जूनियर्स को टाइम देना है। रिमूव डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल ऑफ हो जाएगा आपका दरवाज़ा, आप अपने PA से कह देंगे कि अगर PA है कि भाई अंदर किसी को ना भेजना, सुने गौर से उनको। बी पेशेंट, एम्पेथाइज विद टॉकर। सिंपथी होती है हमदर्दी, एम्पथी होती है एक स्टेप आगे कि इसके फीलिंग्स का इदराक का नाम एम्पथी है। एम्पथी को आप अपना तरीका वार्ता तर्ज एवरीडे लाइफ का तर्ज बना के रख लें। एम्पथी को एम्पथाइज करें, जिस तरह हज़ूर पाक एम्पथाइज कर रहे थे उस पागल खातून से। तो सुन्नत रसूल में आप एम्पथाइज ज़रूर करें कमज़ोरों के साथ, इवन पागलों के साथ, और हंसे ना कभी पागल पे। मैं आपको अजीब सा वाक्य सुनाऊँ, पिछले 8 साल से एक लड़का मेरे पास आता है, वो सेमी वो है पागल, और UT के प्रोफेसर का बेटा। जब मैं UT में पढ़ाता था तब मेरी हर क्लास में के बैठा रहता था, और मुझे मैं अभी भी यहाँ मेरे दफ्तर में आता है सामने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ऑफिस में, और मुझे ऐसे बुलाता है बाहर। मैं मीटिंग में हूँ तो मैं कहता हूँ आता हूँ, फिर थोड़ी बहुत आता है, फिर अगर बैठ जाता है और वो हल्की फुल्की खराफात भी बोलता है, और फिर कहता है कि आपको पता है प्रेसिडेंट क्लिंटन ने क्या कर दिया, और UNO में आपने आर्मी चीफ को कहा कि ये कह दे उसको, इस तरह की बातें कर रहा होता है। मुझे पता है वो पागल है, मैं खामोशी से सुनता रहता हूँ। अगर हज़ूर पाक की ये मैंने हदीस ना सुनी होती, हो सकता है मैं भी उस पर हंसने लग जाता अपने तकबर में, डिग्री के घमंड में या पैसे के घमंड में, वट एवर। लेकिन मैं उसकी बात गौर से सुनता रहता हूँ। मेरा कैमरामैन पिछले महीने उस पर हंसने लग गया, तो उसकी हंसी देख के वो बच्चा रोने लग गया, UT का प्रोफेसर बेटा। मैं कहा तुम्हें क्या हुआ? कहता है ये आपका कैमरामैन मेरे पे हंस रहा है, उसका ख्याल है मैं पागल हूँ। मैं पागल तो नहीं, मैं कहा तुम तो मेरे से ज़्यादा अकलमंद हो, शाबाश बैठो। उसको फिर मैंने अल्टीमेटली उस बंदे को मैंने फायर कर दिया, वो हंस रहा था। सो आप बड़े मोहतात रहें, ये दिलों के मामले होते हैं कम्युनिकेशन में। एक मुझे मीर अनीस का शेर याद आता है, फिर हम ख़त्म करते हैं, कि किसी को क्या हो दिलों की शिकस्तगी की खबर, किसी को क्या हो दिलों की शिकस्तगी की खबर, कि टूटने में ये शीशे सदा नहीं रखते। तो आपने बड़ा मोहतात रहना है, बड़ा मोहतात रहना है कम्युनिकेशन में। जब इख्तियार आता है तो पागल ना हो जाना, सब लोग पागल हो जाते हैं, और ज़मीन पे झुकते रहना। सुन्नत रसूल की ताबे में इतबा में आपका काम झुकना है और गिरों को उठाना है। इलामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आ रहा है इस मौके पर, कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। आपने वो साकी बनना है कि गिरतों को उठाएं। बी पेशेंट, और जो लिसनिंग जिसका आप जो आपसे अपने मसले बताने आ रहा है वो आप पे भी एक दो अटैक करेगा, आपने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना, खामोश रहना है। मैं इस्लामाबाद में नस्ट में पढ़ा रहा था, EME कॉलेज में, आज से 20 साल पहले। तो ब्रिगेडियर था उसका प्रिंसिपल, तो एक किसी सिविलियन एम्प्लॉय ने उसको डॉक्यूमेंट किया कि मैंने आपसे बात करनी है, मैंने अपने मसले सुनाने हैं जो आप मेरे मसले नहीं सुन रहे। ब्रिगेडियर एरोगेंट था थोड़ा सा, तो उसने मुझे साथ बैठा लिया दफ्तर में। मैं नया नया अमेरिका से आया था, 20-21 साल पहले की बात है। तो ब्रिगेडियर ने उसका मसला सुनने के लिए लीगली ही वॉज बाउंड एज पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लॉज, जिसे कहते हैं इंटरव्यू करना, ये टर्म है इस्लामाबाद में इन वोग है, लाहौर में भी गालिबन है।
तो ब्रिगेडियर ने उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनते सुनते हल्की सी स्माइल दी। अब वो बेचारा अपने गम की दास्तान सुना रहा है, तो ब्रिगेडियर की स्माइल सुन के उसने पता क्या कहा उस बंदे ने, जो सिविलियन था नाइब का सिर से थोड़ा सीनियर, कहता है ये पेपर वेट मेरे हाथ सामने नहीं पड़ा हुआ, ना मैं आपके दांत तोड़ देता मुंह पे मार के। मैं मसले बता रहा हूँ, 2 महीने बाद आपने मुझे तारीख दी है और आप हंसी जा रहे हैं, आपसे मुझे आप मेरी बेबसी पे हंस रहे हैं। और मुझे लगता था कि लड़ाई शुरू हो जाएगी, बिकॉज ब्रिगेडियर वॉज फेल टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन एस्पेक्ट। दर्द की रिश्तेदार रिश्ते जो आप बिहारी है ना, दर्द के रिश्ते की आप बिहारी, ये कम्युनिकेशन में जब आती है तो तब दवा मिलता है, वरना अगले पेपर वेट मार के दांत तोड़ देते हैं ब्रिगेडियर जनरल के भी। तो आपको बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा कम्युनिकेशन में, स्माइल और फेस इंप्रेशन पे। फेशियल एक्सप्रेशन भी आपके सुनते वक्त हमदर्दी वाले होंगे, स्माइल वाले नहीं होंगे, ये याद रखना। छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आखिरी है गो ईजी ऑन आर्गूमेंट एंड क्रिटिसिज्म एंड आस्क क्वेश्चन। और लास्ट है स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग, लिसनिंग के आदाब में ये पहली चीज़ है और आखिरी चीज़ है। अच्छा जनाब, फीडबैक, अभी आपका वो मरहला नहीं आ रहा कि आप फीडबैक पे बात करें। मैं फीडबैक को आपसे डिस्कस नहीं करता, आई कैन टेक 10 मिनट्स फॉर QA सेशन, क्वेश्चन आंसर्स पे हम बात कर लेते हैं, बच्चों के काफ़ी सवाल होंगे तो थोड़ा सा हम इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम ख़त्म करते हैं आपकी इजाज़त से। क्यों सर, इजाज़त है? अच्छा बच्चों जी, आप यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन ऑन कम्युनिकेशन तनाजुर में, आई एम ओपन। जी पहला सवाल, अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं उठ के चला जाता हूँ। जब आपकी एज में था तो मैं लड़ता था, तो आप मैच्योर बिहेवियर करें, उठ के चले जाओ, आप चले जाना, आप फसाद, फितना और फसाद से गुरेज आपको तरक्की में हेल्प देगा। हमारी 5 उंगलियां याद रखें, अगर 2 उंगलियां हम इंतकाम और लड़ाई में जाया करेंगे, 3 उंगलियों से तरक्की नहीं हो सकती। आपने तरक्की करनी है ना, तो तरक्की इस एनर्जी से होगी 5 उंगलियों की, इंतकाम की 2 उंगलियों से तरक्की नहीं होती, यही बात याद रखिएगा। अगला सवाल जी, जी बच्चियां कुछ पूछना चाहेंगी, आप पूछें जी, आपको कम्युनिकेशन के पे फोकस करें। मेरी क्या गुजारिश है आपकी शाम को, आज शाम को, कि आप वीडियो देखें YouTube से कम्युनिकेशन स्किल पे, टोन पे देखें, 3 से 5 मिनट के कई हजार वीडियो लोगों ने डाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, कंपोज्ड बिहेवियर पे देखें, इंटरपर्सनल स्किल्स पे देखें, आपकी तरक्की इंटरपर्सनल स्किल्स पे होगी। मैंने जब UUT में और NUST में बड़ी बड़ी मुसीबतों में काम किया, तो मैंने जहाँ जहाँ कंपोज रखा मैं उठता गया, जहाँ जहाँ मैंने कंपोज रखा गया मैं गिरता गया। कंपोज का मतलब है कि अब नॉर्मल आप रिएक्शन ना करें नॉर्मल चीज़ों पे, ये है कंपोज बिहेवियर। जी अगला सवाल आपका, तज़हीक और तमस्कुर के सेंस में। अच्छा मैं आपको बताता हूँ जी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है मैंने। तज़हीक में एक होता है तंजिया मुस्कुराहट, एक होती है तज़हीक वाली स्माइल। ये 2 चीज़ें का मतलब है कि मैं सीनियर हूँ, मैं बादशाह हूँ और आपका ला लोग है, मैं अनटचेबल, यू आर अनटचेबल एंड आई एम कोर कमांडर। नहीं, जब आप अगली स्माइल से पता चलता है कि ये अप्रिसिएशन वाली स्माइल है, माँ की स्माइल अप्रिसिएशन वाली होती है बच्चे की, उस स्माइल को फॉलो करें, ना कि तज़हीक और तंज वाली मसाइल। तंज वाली मसाइल होती है देखा ना, देखा ना, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश अपने फिर हारना नहीं, कोशिश करने से उठना है, फिर जितना गिरेंगे उतना ऊपर जाएंगे, याद रखना ये मैसेज है आज का, जितना गिरोगे उतना ऊपर जाओगे। सर आपका कोई सवाल? माशाल्लाह, आपका फेस एक्सप्रेशन होता है ना वो 90% मैच होना चाहिए, आप उसको सुन रहे हैं, आप उसको कम्युनिकेट भी कर रहे हैं तो दिल से कर रहे हैं, और ये कभी भी नहीं होता कि आपका फेस, आंखें और जुबान तीनों डिफरेंट तरीके से एक्ट करें, इन तीनों को एक तरह से ही आती है, ये अल्लाह की तरफ से एक सलाहियत है इंसान के अंदर, कि जब आप बोलते हैं गुस्से में हो तो आपका चेहरा गुस्से वाला होता है, जब आप शफकत वाली बात कर रहे हो तो आपका चेहरा भी शफकत वाला होता है, और जब आप किसी को पोज करना चाह रहे होंगे तो सामने वाला समझ जाएगा आपके फेस एक्सप्रेशन से कि आपकी बात में और दिल में बहुत फर्क है। माशाल्लाह, इसको मैं आगे बात को बढ़ाते हुए एक शेर मुझे याद आ रहा है इलामा इकबाल का, आपकी इजाजत से सर, कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है और पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मैं आपके सामने झुक झुक के जो गुजारिशत कर रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप सब वाशिंगटन में जाके 26 साल की उम्र में मेरी तरह वर्ल्ड बैंक में बैठ जाएं,
30 साल में आप भी पढ़ा रहे हो, मैं उर्दू मीडियम बैकग्राउंड से गोरों को मैंने बेस्ट रेटिंग से पढ़ाया है, मैंने अपने आप पे कम्युनिकेशन पे इन्वेस्ट किया, मैंने 10 साल डॉन पढ़ी, क्लास 8 से मैं डॉन पढ़ने लग गया, क्लास 9 में मैं इंग्लिश में खबरें सुनता था ताकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो, और मैंने गोरों को कंफर्टेबली पढ़ाया। आप मुझे UN भेज दें, आप मुझे वाने सदर भेज दें, आप मुझे मंडी बहाउद्दीन भेज दें, आप बलालगंज के स्कूल में भेज दें, मैं उसी तरह कॉन्फ्रेंस में बात करूंगा। अगर ये मैं कर सकता हूँ तो आप भी तो कर सकते हैं ना, अज़म कर लें, बस इरादा कर लें। मैं कुरान पाक की 3 आयात का तर्जमा बताता हूँ, सूरह आले इमरान की, जब किसी चीज़ का अज़म कर लो, पहली आयत का तर्जमा, दूसरी आयत में अल्लाह ताला कहते हैं फिर लोगों से मुशावरत करो, ये आज की गुफ्तगू शायद मुशावरत का एक बहाना हो, और तीसरा है फिर अल्लाह पर भरोसा रखो। अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करेंगे, 80% तरक्की आपकी कम्युनिकेशन स्किल में है, 5% एकेडमिक क्रेडेंशियल में, जिसे आप स्टार्ट लेते हैं यूनिवर्सिटियों में जाके, अंदर बैठ जाते हैं, बस्ता लगा लेते हैं, बेस्ट डेस्क मिल गया, और बाकी 15% आपका, जैसा ये सीजन प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, इनके तजर्बे से। आई कैन टेक 1 or 2 मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट। जी गो अहेड सर, मैं आप पे आ रहा हूँ। जी ऊंचा बोलिएगा। अच्छा, हाइपर होना एक एटीट्यूड का मैनिफेस्टेशन है बिहेवियर। अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। मेरा जो एनवायरनमेंट है मेरे सोच को मुतासर करता है, सोच मेरे रवैये को मुतासर करता है, रवैया मेरे आदत को मुतासर करता है। तो अगर मैं सोच कैसे कंट्रोल करना है, सब ट्रेनिंग करा रहे हैं हमारे दोस्त, और मेरे पास भी फ्री कोर्सेज होते रहते हैं सामने 1 घंटे 2 घंटे के, और मुझे सबसे खुशी यह है कि इस टेक्निकल इदारे में हम सॉफ्ट स्किल पे बातें कर रहे हैं, जैसा क्रेडिट जाता है हमारे चेयरमैन साहब को जो तशरीफ रखते हैं यहाँ पे, जिन्होंने इतनी पेन ली, कितना चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया जी, चेयरमैन साहब के लिए तालियां बजाते हैं जनाब। ये इनके तवस्सुत से मैं आप, मेरी अपनी वारदात कल्ब जो 30 साल के तजुर्बे मुझसे मिला है, मैंने आपको 1.5 घंटे में कोशिश की है मैं ट्रांसफ़र करूं, 1.5 घंटे में मैंने कोशिश की है कि आप सब न्यूयॉर्क में फ्लाई कर रहे हो अपने तखयल की बुलंदी से, आपकी तखयल की बुलंदी आपको वाशिंगटन न्यूयॉर्क ले जाती है, मुझे ले गई थी कृष्णनगर लाहौर से, आप सबको ले गई, आप भी इसी तरह उठे थे साइकिलों से मोटरसाइकिलों से, मुझे याद है हमारा एक ही ग्रुप है ना, तो अगर हम जा सकते हैं जी डॉट वाले स्कूलों से, और वो टीचर इतने जालिम थे हमारे, डंडे मार मार के मुर्गे बना बना के हमारी सेल्फ इस्टीम उन्होंने ख़त्म कर दी, उसके बावजूद हमने अपने आप को कंपोज रखा। तो आप भी कंपोज रखते हैं, आप तो खुशकिस्मत हैं, UET में पंजाब यूनिवर्सिटी में कभी ऐसी गुफ्तगु हुई नहीं इंसानी वैल्यूज़ पे या बिहेवियर पे, और ये क्रेडिट जाता है खालिद साहब को, उनकी टीम को, जिन्होंने तालियां बजाते हैं खालिद साहब के लिए, और खालिद साहब पिछले कई महीने के मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरी जान खराब कर दी फ़ोन कर करके, मैं कभी हाजिर हो जाता हूँ, और मैंने खालिद साहब से कहा मुझे हर महीने मौका दे, मैं सामने में चल के आ जाऊंगा, मैं तो मुझे तो इस मट्टी ने करोड़ों या लाखों दिए, मेरे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं थी UET में, मैं किसवें ग्रेड में, आप लोगों के तवस्सुत से इसी तरह सोच से निकला ना, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप भी तरक्की करें। तरक्की की बुनियाद गुड कम्युनिकेशन स्किल है, अच्छी नीयत के बाद। मैं एक हजूर पाक की हदीस पढ़ना चाहता हूँ, इमाम अबू हनीफा ने अपने बेटे को नसीहत की कि मैंने 5 लाख हदीसें हिफ्ज की हैं, उसमें से 10 हदीसें उन्होंने अपने बेटे को सुनाई, और फिर कहा कि उस बेटे को कहा कि उन 10 हदीसों में से एक हदीस बेहतरीन है, इन्ना माला माला बिल नहीं आती, इस हदीस को हिफ्ज कर लें, तकरार करें सुबह शाम, नीयतों को साफ रखें, तरक्की मिलेगी, खुशहाली शादमानी, और तीसरा लफ्ज क्या था, वो आपके पीछे भागेगी, 3 खवातीन आपके पीछे भागेगी। मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, कहते हमने तुम्हें रिफत पे 7वें आसमान पर लेके जाना है, 7वें आसमान पहुंचते हैं तो सुरैया आपका इंतजार कर रही होती है, क्या कशाम में, अगली क्या कशाम में, ये सारा नीयतों का खेल है, मेहनतों का नीयतों का खेल है। एनी लास्ट क्वेश्चन, आपने हाथ खड़ा किया था, जी जी गो अहेड सर। जी बड़ा अच्छा सवाल है, उसके लिए 3 घंटे और चाहिए थे, मैं 1.5-2 घंटे बड़ी मुश्किल। अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इस पर बड़ा अच्छा हमारे मेहरबान, क्या नाम है सर आपका, आर्य भट्ट साहब का मैं बड़ा मशकूर हूँ, उन्होंने निशानदेही कराई। मैं एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ, मैं इस्लामाबाद बैठा हुआ था 1997 में, चेयरमैन PTCL थे, मीटिंग चेयर कर रहे हैं, चेयरमैन PTCL एक ज़माने में खुदा होता था, अल्लाह माफ़ करे, इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, और टेलीफोन लगना बहुत बड़ा एक होता था। 1960 में
मेरे वालिद साहब ने लाहौर में टेलीफोन अप्लाई किया जो 1976 में 16 साल बाद हमें मिला, और जब टेलीफोन मिला सब ने मिठाइयाँ मांगी हमारे उसे कि मुबारक को टेलीफोन लग गया, सी टेलीफोन करना आई है। ये हालत थी उसका चेयरमैन, उस दौर का चेयरमैन मीटिंग चेयर कर रहा है और एक स्टाफ का मेंबर लेट आया है, चेयरमैन ने घड़ी देखी है, उसको देखा है और मीटिंग जारी रखी है। ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एक मिसाल। अगर मैं अकड़ के खड़ा हो जाऊं और स्टिफ कॉलर में कहूं जी आप सवाल नहीं कर सकते, तो ये तकब्बुराना जज्बा है जो कि मेरी बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा है। नॉन वर्बल का दूसरा नाम है बॉडी लैंग्वेज। मैं किसी को बगलगीर होता हूँ, वालेहाना लपक के, बचपन का दोस्त है, यूनिवर्सिटी का क्लास फेलो है, ऑफिस का कोर्समेट है, वॉट एवर, मेरा बगलगीर होना मैनिफेस्टेशन है, मेरी नीयत मेरे उससे ताल्लुकात में पॉजिटिविटी का और इंटेंसिटी का, जज्बे की हिद्दत शिद्दत वसत और नवयत का इजहार मेरे बॉडी लैंग्वेज से हो रहा है। अब मैं बगलगीर हो रहा हूँ या ऐसे हाथ मिला रहा हूँ, ये मेरा है। आप आर्मी में जनरल किसी कैप्टन से हाथ मिलाता है तो ऐसे मिलाता है, फासला रखने के, मतलब फासला रखो। एक 22वें ग्रेड का बंदा जब 16वें ग्रेड के अस्तर में बंदे से गला मिलता है तो गला नहीं मिलता, ऐसे बस हाथ रखता है बस। नोट किया कभी आपने, 22वें ग्रेड का अफसर 16वें या 18वें ग्रेड के अफसर से गले नहीं मिलता, बस ऐसे करता है कि आई एम गोइंग टू बगलगीर, बट एक्चुअली ही प्रिटेंड्स टू मेंटेन डिस्टेंस। वो डिस्टेंस नहीं है, वो कप ताकत का नशा है। ये ताकत का नशा शराब के नशे से ज़्यादा सालम है। इस नशे से बचें, जो जो आपको इख्तियार और पैसा मिलेगा तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में अकड़ना आ जाएगा, झुकना खत्म हो जाएगा। आपने माउंट एवरेस्ट फतह करना है तो कैसे करेंगे, झुक के जाएंगे तो माउंट एवरेस्ट फतह होगा, वरना नीचे फारग हो जाएंगे। तो इन्होंने बड़ा अच्छा निशान दिया कि बॉडी लैंग्वेज पे आई कैन टॉक आवर्स एंड आवर्स, लेकिन मैं किसको इस पर करूँगा, मुसाफा करना, बगलगीर होना, आँखों से इजहार करना अपनाइत का, ये सारा उसमें आ जाता है बॉडी लैंग्वेज में। आँखें बोलती हैं, आँखों में नफरत है, आँखों में गुस्सा है। एक बॉडी लैंग्वेज से मुझे एक वाक्य याद आता है, मेरे वाले साहब सेशन जाए थे गुजरांवाला में, ये वाक्य उन्होंने गालिबन मुझे सुनाया था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा वाक्य किसने सुनाया था। एक जज ने गवाही लेनी थी और खातून गूंगी थी जो जिसे गवाह देना था, तो मुखालफ वकील ने इतराज़ किया कि आप गवाही कैसे लेंगे, ये तो बोल ही नहीं सकती। जज ने पूछा कि क्या लड़की सुन सकती है, उसने कहा हाँ सुन सकती है। उसने कहा आप सवाल करें, मैं इसकी आंखों से गवाही लूंगा, आप सवाल करें, मैं आंखों से गवाही ले लूंगा। ये बॉडी लैंग्वेज इस तरह होती है। मैं कभी कभी किसी जाता हूँ ना, उस पर मुझे शेर याद आ रहा है मीर यूनिस का, ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, 19 ठेस ना लग जाए आप गिनों को। रिसीविंग एंड पे उसको आप गिनों को ठेस ना लगने के लिए उसके जज्बात भी उतने लतीफ़ हों, कसीफ ना हों, उसमें भी सोशल वैल्यूज नॉर्म्स हों जो आप में हैं और बढ़ेंगी वक्त के साथ साथ। आप अपनी रिलीजियस नॉर्म्स के साथ साथ सोशल वैल्यूज़ को भी बढ़ाते जाएँ। आज से कुछ 20-25 साल पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज से लाहौर अपना घर कृष्णनगर आ रहा था, तो मैंने देखा कि सिविल सेक्रेटेरिएट में एक सिविल जज ने गर्मी में, लाहौर की गर्मी में निकला, उस सिविल जज को मैं जानता था 25 साल पहले, और उसने सिर पे अपनी फाइल रखी हुई है गर्मी से बचाने के लिए। मैंने उसको देखा कि निकल गया, 25 साल बाद वही सिविल जज अपनी वैल्यूज को निभाता निभाता हाईकोर्ट का जज बन चुका था। इस तरह फिर लोग तरक्की लेते हैं अपनी नॉर्म्स और वैल्यूज के जरिए। तो खुद ही ना बेच सेमो जर के बस, नहीं शोला देते शरर के बस, और मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, खुद ही ना बेच फकीरी में नाम पैदा करें। तो आप अपनी वैल्यूज़ को प्रिजर्व रखें, कोशिश करें कि आपको हाथ ना फैलाना पड़े, कोशिश करें कि आप कमज़ोरों को उठाएं, और जब आप में से सबके पास पावर्स और इख्तियार आएंगे, आप में से कोई वाइस चांसलर बनेगा, कोई डीन बनेगा, कोई डायरेक्टर बनेगा, तो उस वक्त झुकते रहे। ताकत का नशा सबसे ख़तरनाक नशा है। हज़रत दाता गंजबख्श अपनी किताब में लिखते हैं कि तकब्बुर ज़ोहद का हो या तकवा का हो, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। तो तकब्बुर की डायमेंशन महज ताकत में नहीं है, पैसे में नहीं है, ज़ोहद तो तकवे का तकब्बुर भी ख़तरनाक है। तो इबादत के तकब्बुर में भी आप ये ना जाएं ये जहन्नमी है मैं जन्नती हूँ, अल्लाह ताला को पता नहीं किसको पास करते, किसको ए ग्रेड दे दे, किसको सी ग्रेड दे दे। आपने कुत्ते वाला वाक्य सबने सुना होगा बचपन से, तो उन वाक़ियात को बढ़ाएं। हमारा मजहब यही तलकीन करता है, इंसानियत और एहतराम आदमियत, इसका इजहार आपकी गुफ्तगू से हो रहा है। और मैं एक अजीब सा शेर का तर्जमा पढ़ रहा हूँ कि गुफ्तगू से कबीले का पता चल जाता है कि नौदौलती है या चौथी नस्ल का तालीम के साथ जाना है। वजादार लोगों के घर में जिनके पास मोटरसाइकिलें साइकिलें हैं,
जिनके पास होंडा सिटी नहीं, जिनके पास DHA के प्लॉट नहीं है, उनकी वजहदारी उनकी दुफ्तू से बोल रही होती है और नदौलती की गुफ्तगू बोल रही होती है DHA की कि उसको भी उड़ा दो, इसको भी कत्ल कर दो। DHA में उसने कत्ल किया था ना एक बच्ची को, बेटे को, तो माँ ने कहा था मेरी 6 बेटियाँ और भी हैं, मैं उनकी शादियाँ करनी हैं, अगर मैं इंसाफ लेने चली जाऊँगी तो मुझे शादियाँ भी इनकी नहीं होंगी, मेरे इंसाफ चाहिए नहीं, आप फांसी ना दें बेशक कातिल को। तो ये अब आपका आपके हाथ में है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को, तर्ज अमल को, और बॉडी लैंग्वेज की मैनिफेस्टेशन असल में आपकी किरदार की मैनिफेस्टेशन है। आपकी कुव्वत गुफ्तार जो है, वो आपकी कुव्वत इजहार है, वो आपकी वैल्यू सिस्टम की आयनादार है। उसमें आजी इंकसारी को बढ़ाते रहें और मुराद पाते जाएं। कोई नो बॉडी वुड स्टॉप यू अगर आपने एक नीति और मेहनत को साथ रखेंगे, नो बॉडी वुड स्टॉप यू। अगर सलीम साहब और ये टाट की जैसे बता रहे हैं कि हम टाटों के स्कूल के टूटी कुर्सियों के स्कूल से हम तरक्की कर सकते हैं, तो आप लोग भी तरक्की कर सकते हैं। आप तो बड़े खुशनसीब हैं, इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी में इतनी खूबसूरत कुर्सियाँ और इतने खूबसूरत दिलों वाले लोग बैठे हुए हैं, और ये पेन ले रहे हैं आप लोगों के मुस्तकबिल को अच्छा बनाने के लिए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्लाह शायद मेरी गुफ्तगू से 2 से 4 बंदों को मज़ीद देनी तकवीत देते, गुफ्तगू से ज़ौक़ यकीन बढ़ जाता है। इकबाल के एक शेर पे मैं ख़त्म करता हूँ कि गरमाओ गुलामों का लहू ज़ौक़ यकीन से, कुंजिश के फरमाया को शाहीन से लड़ा दो, कौवे के बच्चे को शाहीन से लड़ा दो, इतना गर्म कर दो। और मेरे ग्रेजुएट्स ने पाकिस्तान में बड़ी बड़ी PhDs की, इस वक्त लाहौर में 2-3 डीन मेरे UGT के ग्रेजुएट्स लगे हुए हैं इस्लामाबाद के, और वो क्यों लगे हैं, मैंने अपने दौर में कोशिश की थी कि उनको जोश दूँ, ज़ौक दूँ और वलवला दूँ और अज़्म-ए-नौ दूँ, अज़्म-ए-ताज़ा दूँ। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। मैं बाद में ले